विलेज तूत में, जहाँ पर कि बहुत बड़े लेवल पर ट्री प्लांटेशन हो रहा है। तो आज जिन लोगों द्वारा ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है उनसे हम बातचीत करते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। जी नमस्कार सर, आपका नाम? जी सर, आज जो आप ट्री प्लांटेशन करने जा रहे हो, इसका मैसेज आपको किसने दिया? गुरु संत गुरमीत राम रहीम जी ने सानू शिक्षा दी। जी, तो आप यहाँ पे आज कितने पौधे लगाने जा रहे हो? आज 600 पौधा लगाने। जी, तो मतलब जो इस पे जो खर्चा आता है, जो भी है, मतलब आप लोग खुद से करते हो या आपको कोई गवर्नमेंट वगैरह देती है इसका फंडिंग? खर्चा खुद ही करते हैं, पौधे संस्था कहीं दे देने हैं सानू, जितो भी मिले ले। जी, थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये लोग बहुत बड़े लेवल पर आज ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और इनके गुरुजी द्वारा इनको ये मैसेज दिया गया है कि ट्री प्लांटेशन करने का, और भी हम और भी सदस्यों से यहाँ पर जानते हैं कि बातचीत करते हैं और इनका आगे क्या प्लान है और कितने और जगह पर ये ट्री प्लांटेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार यहाँ पे पौधारोपण हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कब से आप ट्री प्लांटेशन कर रही हैं? हम हर साल ही करते हैं। जी, आज मतलब आज कब से आपने शुरू किया हुआ? आज हमने 8 बजे से शुरू किया हुआ है। तो आपको मतलब इतना पसीना आया हो तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि मतलब बहुत हो गया अभी छोड़ के चले जाए? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है और भी आनंद आ रहा है। जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आज हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में आज यहाँ पे आप ट्री प्लांटेशन करने आए हो, तो इसका क्या मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है, हमारे पिताजी का, गुरुजी का बर्थडे है जी, उनके मतलब कि बर्थडे की खुशी में, उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर आके प्लांटेशन करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं। जी जी, हर साल का किया जाता है। जी, तो मतलब स्पेसिफिकली आप बर्थडे पर, गुरुजी के बर्थडे पर ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, तो जैसे आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन वाला ओकेजन होता है तो वो आप कैसे सेलिब्रेट करते? वो भी हम ट्री प्लांटेशन करके या मरता भलाई के काम करके, जैसे किसी गरीब को कुछ चाहिए उसको देकर या किसी की किसी प्रकार की भी हेल्प करके वो कार्य करते हैं। जी जी सर, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्री प्लांटेशन तो लोग कर देते हैं बट उनकी देखभाल के लिए कोई भी उपराला नहीं किया जाता है, तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है इस ट्री प्लांटेशन को लेकर? हाँ जी मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं पौधा लगाने की, ये सेवा ऐसे बहुत सारे करते हैं, लेकिन उनकी साम संभाल द्वारा देखभाल ना होने की वजह से जो पौधे हैं सूख जाते हैं। लेकिन जो हमारी डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से जो टीमें ये पौधे लगाती हैं, उसकी तरफ से ये बाकायदा टीमें तैयार की गई हैं जो महीने में कम से कम 2 से 4 बार इन पौधों की देखभाल करती हैं, उनको पानी दवाई और किसी भी तरीके का पौधा सूख जाता है तो उसको दोबारा से भी लगाया जाता है। जी, जिस तरह तुसी दस्से कि कम कार जिवें तुसी छड़ के आउंदे हो तां उहदे च तुहानूं घाटा नहीं महसूस हुंदा कि कम कार छड़ के तुसी इदां ट्री प्लांटेशन करन आए हो, तां उह टाइम च तुहानूं घाटा महसूस नहीं हुंदा? नहीं नहीं भैन जी, सानूं तां बहुत दुगणे चौगणे ना सानूं जाण के खुशी महसूस हुंदी आ, ते बहुत वध चढ़ के सानूं बहुत मुनाफा हो रहा घर दे कम्मां कारां च, जिवें कि दुनियावी तौर ते देखिए तां पैसे पक्खों कोई दिक्कत नहीं आउंदी। तेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे इनके सेवादारों के बारे में? जी आपका जो थोड़ा जो तुम करते हो ये बहुत वधिया है, इस तरह ही मिलजुल के सारे तुम हरेक साल ये सेवा करते रहो, ये थोड़ा बहुत वधिया। तो यहाँ पर इनसे हमने बातचीत करी और इन्होंने बताया कि लगातार हर साल यहाँ पर ट्री प्लांटेशन की जाती है डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा, और ट्री प्लांटेशन करके एक जो पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए इनका जो मेन मोटिव है इनके गुरुजी द्वारा बताया गया, उन्हीं का संदेश ये सारी सृष्टि को देते हैं, सारे संसार को देते हैं, और हम सबको ये यही संदेश देते हैं कि इस मुहिम में जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए और इसको और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर करना चाहिए। थैंक यू।